जय माँ मातंगी। मेरा नाम रुपेश्वरी पांडे है, मैं छत्तीसगढ़ सीजी से आई हूँ रायपुर से, और मैं अपनी बेटी कारण बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। इनको कम से कम 12 वर्ष हो गए हैं, इतनी परेशानी है, इतना जगह गए पूरा छत्तीसगढ़ यूपी बिहार, कहीं नहीं छूटा है कि इनको दिखाने के लिए नहीं ले गए। बाकी बताए, एक दो जगह बताने के बाद किसी ने काट नहीं किया। साधना टीवी के माध्यम से यहाँ तक मातंगी दरबार में आई हूँ, और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी लड़की ठीक हो जाएगी। यहाँ जैसे मैं आई, मेरे को इतना सुकून मिला कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ रहने की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेडीज़ों का अलग कमरा है, जेंट्स का अलग कमरा है। यहाँ गुरुजी जब तंत्र काट करते हैं तो सबसे पहले हमारे बोलने से पहले गुरुजी अपने कार्ड में, हमारे जो कार्ड है उनमें पूरा लिख देते हैं। उनके बाद गुरुजी हमको पूछते हैं तो सारी बात हम बताते हैं। और हमारी लड़की जिस गांव में रहते हैं, हम अपने मायके में रहते हैं अपनी लड़की को लेके, उस गांव में लड़की स्थिर एक भी दिन नहीं रही। वो थाना तक पहुंच गई थी, थाना में खूब धूम मचाई, ऊपर छत में चढ़ के पूरा तार वार को तोड़ना, तार में लटक जाना, और थानेदार का जो ड्रेस है उनको पहन ली, उनका कैप पहन ली, और उनके सामने में बैठ के बोलने लगी कि सर हमें चाय पिलाइए। तो सर लोग बोले कि ठीक है, हम मंगा रहे हैं, ऐसे करके फिर चाय भी पिलाए। फिर भैया लोग उनको बड़ी मुश्किल से लाए, वो स्थिर ही नहीं रहती, एक जगह स्थाई आज तक कहीं नहीं रही। यहाँ मातंगी माँ के दरबार में ही आने के बाद हमारी लड़की स्थिर है और बहुत ही अच्छी है, और सब जगह कोई जगह मुंह नहीं खुला उनका। जहाँ जहाँ गए अपन, जितना भी तांत्रिक के पास गए, वहाँ मेरी लड़की सिर्फ चिल्लाती थी, रोती थी, बाकी उनका मुंह कहीं भी नहीं खुला। और यहाँ मातंगी दरबार में आने के बाद, गुरुजी के सामने में बैठने के बाद मेरे लड़की का मुंह भी खुल गया, तो मेरी लड़की खाना वगैरह भी नहीं खाती थी। तो यहाँ आने के बाद मेरी लड़की खाना भी शुरू कर दी और गुरुजी के सामने में बात भी करना शुरू कर दी। गुरुजी ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, कितना घूमी हो, किसको किसको घुमाए हो, ऐसे करके पूछा गुरुजी ने, तो खुद से फिर बताना शुरू कर दी। थोड़ा फर्क पड़ा है, उनको थोड़ा फर्क पड़ा है, थोड़ा कहा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। अभी तो 2-3 दिन देखे हैं गुरुजी, तो बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ा है, और अच्छी है, नॉर्मल से है। और हमारी लड़की इतना परेशान करती थी, इतना मारती थी, पूरे घर में जितने भी सदस्य हैं सबको मारती थी दौड़ा दौड़ा के। तो एक बार ऐसे हुआ कि हम एक कमरा में सोए थे, हम डेली उनको देखते हैं, दिन में भी जगते हैं, रात सारी रात जगते थे उनके कारण। तो एक दिन ऐसे हुआ हमारे साथ कि हम ऐसे नींद आ गई तो सो गए, तो उसी समय अचानक उठी वो और किचन से तवा लेके आई और हमारे सर पे धड़ाधड़ मारने लगी। इतना खून बहना शुरू हो गया कि 7 टांका लगवाए हैं, पूरा गड्ढा हो गया था। तो इतना जोर से हम, जो फैन जो चल रही थी ना, वो फैन से कूद के भागी थी मैं, और कूदने के बाद इतना जोर से चिल्लाई कि मुझे बचाओ। तो मेरी बहन आई दौड़ते दौड़ते, दूसरे कमरे में सोई थी, और उस दिन दरवाजा को लॉक नहीं किए थे, हर दिन लॉक करती थी जहाँ सोती थी वो, उसी दिन वो दरवाजा भी खुला था। तो अचानक वो आई, कहा कि चिल्लाई रही है ऐसे करके, उतने में फिर आ गई, उनको भी मारना शुरू कर दी। पूरे घर भर जितना भी सदस्य सबको मारती थी दौड़ा दौड़ा के, किसी को भी नहीं छोड़ती, और बोलती मैं तेरा मर्डर कर दूंगी और खून पी जाऊंगा, बस इतना बोलती। और जब तक तू जिएगी ना, तेरे को ऐसे ही मैं मारती रहूंगी, हमेशा यही बोलती है, कल भी बोली है यहाँ आने के बाद। मैं इतना परेशान हो चुकी थी, थक चुकी थी मैं, मेरे दिमाग काम करना बंद हो गया था। तो यहाँ आने के बाद मुझे ऐसे लगा, और गुरुजी देखी तो मेरे को ऐसे लगा कि गुरुजी मेरे लिए भगवान है, मातंगी माँ कृपा से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और आधा कष्ट मेरा ऐसे ख़त्म हो गया जब मैं मातंगी माँ के दरबार में पहुँची। हाँ, गुरुजी जब गुरुजी के सामने ले गए ना, तब गुरुजी पूछे कि कहाँ से आया है रे, और कितना घूमा है, कितना घुमाया है, ऐसे करके पूछने लगा गुरुजी। तब वो अपने मुंह से बताया, पहले बार मुंह खुला है, पहले ना जहाँ जहाँ गए ना बस रोई है, चिल्लाई है, कहीं भी कुछ नहीं बात की कि मैं ये हूँ ऐसे करके नहीं बोली, घर में बोलती थी, बाकी समझ में नहीं आता था। और जहाँ जहाँ गए, यहाँ तक हम
पास भी गए तो वही उन लोग बोले कि शैतान है, बस इतना बोले कि वो शैतान है, वो ठीक हो जाएगी। तो हम अभी भी रायपुर में गए थे झाड़ फूक कराने, तो इनका जो अटैक है ये मेरे ऊपर भी आना शुरू हो गया है। मैं जैसे पूजा के स्थान में जाती हूँ, घर में पूजा करती हूँ, या कोई मतलब कोई भी देवी देवता के स्थान में जाती हूँ मंदिर में, तो वहाँ देवी देवता हूँ ऐसे करके ना वो हुंकार भरता है, वो इतना जोर जोर से हुंकार भरता है कि मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। तो कई लोगों से मैं पूछी भी कि है क्या चीज़, तो कई लोग बोले कि आपके ऊपर वो देवी का सवारी आता है ऐसे करके बोले। कई लोग बोले कि आपके घर की परेशानी है, आपके दादा है जो पितृ नहीं है, वो प्रेत योनि में चला गया है ऐसे बोले हैं। यहाँ पर दरबार में जब आए तो यहाँ पे भी ड्रामा कर रही थी। हाँ, यहाँ भी आने के बाद एक दो दिन ड्रामा किए ना। गुरुजी ने तो समझ लिया था। हाँ, वो समझ लिया तुरंत गुरुजी ने। गुरुजी देखे और समझ लिया कि इनका तो माजरा बहुत पुराना है और इसको किस ढंग से टेकल करना है। गुरुजी कर रहे हैं, अब उनके बारे में हमको जानकारी नहीं है। गुरुजी हंसने लगे। हाँ, गुरुजी देखते ही हंसने लगा। गुरुजी त्रिकालदर्शी है। तो मैं अभी यहाँ आने के बाद वातावरण को देखती हूँ, इतना अच्छा है यहाँ का वातावरण, शांत है बहुत, और माता रानी की इतना कृपा है यहाँ। तो यहाँ आई ना तो मेरे पास पैसा भी नहीं था, मैं बताई अपनी, मेरे को पता नहीं था कि यहाँ जो होता है तंत्र काट का उसके बारे में मेरे को मालूम नहीं था। यहाँ एक बार मैं माता रानी से प्रार्थना की, माता रानी मेरी लड़की ठीक हो जाए और मेरे पैसा की व्यवस्था कर देना ऐसे करके। तो माता रानी कृपा से ना मैं जिससे जिससे भी बात की मेरे को वहाँ से पैसा आना शुरू हो गया। शाम को आरती में जाती है। हाँ, शाम को आरती में जाती हूँ मैं और अपनी लड़की भी ले जाती हूँ मैं आरती में खड़ी होती। हाँ, वो ना वहाँ जाके ना मत्था टेकती है, मैं भी मत्था टेकती हूँ। और यहाँ आने के बाद ना मेरे को ऐसे लगता है कि मैं कुछ दिन और रहूँ, अच्छा लग रहा है। और मैं हमेशा आऊँगी, मैं अपने लड़की को लेके आऊँगी, अपने दामाद को लेके आऊँगी, सारे परिवार लोग आएंगे। जब मैं यहाँ से जाऊँगी सबको बताऊँगी। आप लोगों की अगर कोई भी समस्या है तो यहाँ मातंगी दरबार में गुरु जी के पास आइएगा और इलाज कराइएगा। जय मां मातंगी।